कहते हैं कि वक्त बदलता है तो माहौल भी बदल जाता है, लोगों की सोच भी बदल जाती है और बदल जाती है तस्वीरें भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगाइए कि ये कहां की हो सकती है और यहां क्या हो रहा होगा। दरअसल इन तस्वीरों को देख आप सोच रहे होंगे कि लोगों की ये भीड़ शायद किसी जलसे में शुमार होने के लिए आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं। ये वो भीड़ है जो है तो हिंदुस्तानियों की, लेकिन वक्त की मारी है। देश में अचानक बदले माहौल ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जब पूरा देश कोरोना के डर से अपने घरों में कैद है, तो वहीं भीड़ में शुमार ये लोग अपना घर तलाश रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने घर की मंजिल काफी दूर लग रही है। और वाकई ऐसा है भी, ये लोग चाहते तो हैं कि ये भी जल्द ही अपने घर पहुंच जाए और सरकार के नियम कायदों का पालन करें, लेकिन इनके सामने अचानक आई मजबूरी ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इनकी ये मजबूरी कि चाहते हुए भी एक दूसरे से एक मीटर की दूरी नहीं बना सकते। सामाजिक दूरी ये भी चाहते हैं, लेकिन इनके पास वो वक्त नहीं जो इनकी चाहत वाले फासले को कायम रख सके। दरअसल इस वक्त पूरे देश में कोरोना के कहर के चलते देश के हर शहर, गांव और ढाणी को बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं, लोगों में समझ भी है कि अगर वो एक दूसरे से फासला रखेंगे तो इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन कोई भी शख्स मजबूरी के आगे क्या कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोगों की भारी भीड़ कोरोना के नासूर को फैला सकती है, लेकिन ये भी क्या करें। हालांकि सरकार के दावे और वायदे अपनी जगह कायम है, थोड़े बहुत स्तर पर काम भी हो रहा है, लेकिन जब अचानक आप अपनी पूरी तैयारी बगैर कोई हुक्म दे देते हैं तो मामला बिगड़ भी सकता है, और यहां भी कुछ ऐसा ही है। समझदार लोग अपने घरों में हैं, तो कुछ लोगों की भारी भीड़ घर के बाहर। ऐसा नहीं कि ये समझदार नहीं है, लेकिन साहब इनके पास कोई चारा भी नहीं, क्योंकि सब कुछ आनन फानन में हुआ। नेता लोगों की सेवा के नाम पर अपना ढिंडोरा पीटने में लगे हैं और जरूरतमंदों की अदनी सी मदद कर उन्हें शर्मिंदा करने में भी पीछे नहीं हट रहे। साहब अपनी छोटी सी मदद की भी वो बड़ी बड़ी तस्वीरें चस्पा कर रहे हैं ताकि लोग जान सके कि उनके हुक्मरान ही असल में उनकी जिंदगी के पालनहार हैं। वाकई शर्म आती है ऐसे लोगों पर, लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलता है तो तस्वीरें भी बदल जाती हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बस देश और प्रदेश के हुक्मरानों से हमारी यही गुजारिश है कि किसी भी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। इस कोरोना से कोई भी पीड़ित ना हो, उसके इंतजाम करो। ये भीड़ भी कोई अलग नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की है, इसे राज्यों में मत बांटो। वो एहसास मत कराओ कि वो यूपी का है, वो राजस्थान का, या फिर वो एमपी का और वो दिल्ली का, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये दर्द भी इन्हें हमेशा सालता रहेगा। आखिर ये ना कहना पड़े कि शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। नमस्कार।